नमस्कार, पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में निधन हो गया। उनके निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। चौहान ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि फिल्मों का समृद्ध संसार उनके बिना स्वयं को सदैव अधूरा महसूस करेगा। उनके असमय जाने से दिल भारी है। मध्य प्रदेश में आज 30% मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए दफ्तर खुल गए हैं। सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू हो गया है। इसके लिए सभी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2510 के पार निकल गया है। सबसे अधिक 1485 मरीज इंदौर में है, जबकि भोपाल में 498 संक्रमित है। इसके अलावा उज्जैन में भी संक्रमितों का आंकड़ा 123 पर पहुँच गया है। मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा 128 पर पहुंच गया है। इनमें से सबसे अधिक 63 मौत इंदौर में हुई हैं। इस बीच राहत की खबर है कि एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से कमी आई है। इंदौर में संक्रमण का आंकड़ा 50% की दर से कम हुआ है। वहीं पूरे प्रदेश में संक्रमण 30% तक की कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 31,332 हो गई है, जिसमें 7,695 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश भर में कोरोना से अब तक 1,007 लोगों की जान गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का ध्यान हमेशा कृषि क्षेत्र पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवच किसानों को दिया गया है। देश में आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न है। इस वर्ष भी लक्ष्य से अधिक उत्पादन होगा। आज भी किसी को सब्जी की कमी नहीं हो रही है। पत्रिका की अपील है कि आप भी अपने घरों में रहे और स्वस्थ रहें।